जय श्री राधे। जेपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही माता रानी कृपा से आपके सभी कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे और उनमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आइए पहले आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी और सेवाओं के बारे में बता देता हूँ। तो केपी की वाणी पर आपको आपके और आपके जीवन साथी के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, ये तमाम तरह की जानकारी आपको केपी की वाणी पर मौखिक और लिखित माध्यमों से दी जाती है। तो इसके लिए आप 85267058521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नोट कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर आप शादी करते हैं तो विवाह उपरांत यानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप केपी की वाणी से ही संपर्क कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आप जिससे विवाह करना चाहते हैं या आपकी जिससे शादी होने वाली है उनके साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, क्या आप दोनों लड़ झगड़ के जिंदगी बिताने वाले हैं या फिर आप दोनों के बीच बेहतर तालमेल रहेगा और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। वहीं अगर आप वैवाहिक हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का पता चल जाएगा और उसके निवारण करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां स्वतः दूर हो जाएंगी। हालांकि कई ऐसे जातक है जिनके जीवन में वर्तमान समय में परेशानियां आ रही है, तो उन जातकों को मैं बता दूं, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इन तीनों राशियों पर अभी साढ़े सात ही चल रही है और अप्रैल महीने के बाद मीन राशि के जातकों पर भी साढ़े सात ही प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग भगवान शिव जी की अवश्य पूजा करें, रोजाना कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर सोमवार और शनिवार को अर्घ दें, इससे जो है साढ़े सात ही का प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और उनकी आराधना करें, नीलांजना समाभासम, रविपुत्रम यमाग्रजम, छायर मार्तंडे संभूतम, तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का रोजाना 5 बार जाप करें तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और साढ़े साती से जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। वहीं अगर आप रोग व्याधि से पीड़ित हैं तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् इस मंत्र का जाप करें तो इससे रोग का प्रभाव कम हो जाता है और आपके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ओम पूर्व कप मुखाय पंचमुख हनुमति टम 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 सकल शत्रुहाय स्वाहा इस मंत्र का जाप कर आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मंत्र का भी आपको रोजाना 11 बार जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार, शनि मंत्र का 5 बार और अभी जो मैंने आपको मंत्र बताया शत्रु विजय पर उसे कम से कम 11 बार अवश्य जाप करें और रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ दे, इससे जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको वीडियो में मैंने बताया है कि इस वीडियो में मैं आपको मई महीने में जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है अप्रैल महीने में, यानी कि वैशाख महीने में आपकी सगाई हो सकती है और अप्रैल में रिश्ता तय भी हो सकता है जबकि शादी मई महीने में होगी, क्योंकि मई महीने में शादी का जो मुहूर्त है वो 1 से अधिक दिनों तक है।
तो गुरु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को हो रहा है 373 दिनों के लिए, कुल मिलाकर 1 साल 9 दिनों तक। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 27 अप्रैल को हो रहा है। तो शुक्र और गुरु दोनों ही अप्रैल महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और दोनों ही मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। इसके चलते मीन राशि के जातकों की विवाह के प्रबल योग हैं। आसान शब्दों में कहें तो 100% योग है। तो मीन राशि के जातकों तो योग है ही, इसके अलावा दो अन्य राशियों के भी योग हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं गुरु और शुक्र का क्या कार्य होता है। तो गुरु पुरुष सुख के कारक माने जाते हैं और शुक्र स्त्री सुख के कारक माने जाते हैं। दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। लड़कियों के शादी के कारक गुरु होते हैं और लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है और गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा गुरु और शुक्र मजबूत करने की सलाह देते हैं। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। शुक्र स्त्री सुख, विवाह सुख, रोमांस, जीवन में उन्नति, प्रगति आदि, रोमांस, इन चीजों का कारक माना जाता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिवजी की पूजा करें और गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। आइए मैं अब आपको उन तीन राशियों के बारे में बताता हूं। तो पहली राशि आपको पता ही है, यानी कि मीन राशि। दूसरी राशि कर्क राशि है और तीसरी राशि कन्या राशि है। तो इन तीनों राशियों के जो जातक है उनके मई महीने में 100% योग है। इसके अलावा अप्रैल में भी योग है। वहीं कई ऐसे जातक है जिनकी शादी में देर हो सकती है, तो उनके अप्रैल से लेकर मई यानी कि मई महीने में 100% योग बनेंगे। तो जन्म राशि कर्क है। राशि नाम अक्षर इनका हौस से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं। आराध्य देव आपके शिव जी है। भाग्यशाली रंग आपका दूधिया है। भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु चांदी एवं तांबा है। राशि सुव्रत मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल लग्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है। शादी किस दिशा में हो सकती है कर्क राशि के जातकों की? तो वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना मई में बन रही है। LGM नाम से विवाह प्रस्ताव आपके अप्रैल में आने की संभावना है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। किससे विवाह करना सही रहेगा? तो कर्क राशि के जातकों का मीन राशि के जातकों से वैवाहिक संबंध बेहतर रहता है, तो मीन राशि के जातकों से शादी करना उत्तम रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। अगली राशि कन्या है। इनका नाम अक्षर प से शुरू होता है। तो जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में जो है गुरु विराजमान हो जाएंगे। इस वजह से कन्या राशि के जातकों के और पंचम भाव में विराजमान होने से कर्क राशि के जातकों के योग बनेंगे, जबकि मीन राशि के लग्न भाव में ही गुरु विराजमान रहेंगे। तो जन्म राशि कन्या के जातकों का नाम अक्षर पी यानी पौसे होता है। इनके राष्ट्र स्वामी बुद्ध होते हैं और आराध्य देव श्री गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग आपका हरा है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि सुभ्रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न पन्ना, हीरा तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। शादी किस दिशा में हो सकती है? तो उत्तर दिशा में होने की संभावना बन रही है। किस नाम से हो सकती है? तो ASD यानी कि अ स द। किससे करना सही रहेगा? तो मकर राशि के जातकों से आपका शादी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो लड़कियां हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डाले, वहीं लड़के शिव जी को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और सफेद पुष्प अर्पित करें। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो जन्म राशि जो मीन है उनका नाम अक्षर डी यानी दो से होता है। राशि स्वामी इनके गुरु है आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग आपके लिए पीला है। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि सुभ्रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूल वार गुरुवार, सोमवार तथा मंगलवार है। राशि अनुकूल
पुखराज मोती तथा मुंगा है। अनुकूल दिशा आपके लिए उत्तर है। राशि तत्व जल है जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो मई महीने में आपकी शादी के प्रबल योग है। मीन राशि के जातकों के शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे घी के दीपक अवश्य जलाए, इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। शादी उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना अधिक है। मेष राशि के जातकों से अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है। वहीं SGV नाम के जातकों से आपके विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और इनमें से या मेष राशि के जातकों से किसी एक नाम से आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको उन तीन राशियों के बारे में बताया हूं जिनके विवाह के योग मई महीने में 100% बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों सहित गुरु राशि परिवर्तन और शुक्र राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना ही पुलिस के अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।